इस वीडियो में हम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के जीवन काल के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि आइजैक न्यूटन ने दुनिया के साथ साझा करने से पहले 20 वर्षों से अधिक समय तक गुप्त रूप से कैलकुलेशन विकसित किया था? हाँ, तुमने यह सही सुना। दो लंबे दशकों तक यह महान दिमाग चुपचाप अपने अध्ययन के अंतराल में एक नए गणितीय ब्रह्मांड का ताना बाना बुन रहा था। न्यूटन स्वभाव से एक गुप्त और एकांत प्रिय व्यक्ति थे। वह सार्वजनिक प्रशंसा या मान्यता चाहने वालों में से नहीं थे। उनका काम ही उनकी दुनिया थी और वे इसमें अकेले रहकर ही संतुष्ट थे। कैलकुलस का विकास उनके लिए एक अत्यंत व्यक्तिगत यात्रा थी। वह अपने काम के बारे में इतने गुप्त थे कि यह तभी प्रकाश में आया जब एक अन्य गणितज्ञ गॉटफ्राइड विलहेम लाइबनिज ने भी इसी तरह के रास्ते पर चलना शुरू किया। न्यूटन और लाइबनिज ने स्वतंत्र रूप से कैलकुलेशन विकसित किया, लेकिन जब लाइबनिज ने अपना काम प्रकाशित करना शुरू किया तभी न्यूटन को अपना खुद का खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह दो प्रतिभाशाली दिमागों की एक दिलचस्प कहानी है जो एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, फिर भी पूरी तरह से अलग अलग बिंदुओं से शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन को लेकर इतना हंगामा क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? खैर, कैलकुलेशन परिवर्तन और गति का गणित है और यह आज दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका आधार बनता है। भौतिकी से लेकर इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र से लेकर कंप्यूटर विज्ञान तक कैलकुलेशन हर जगह है। यह हमें ग्रहों की कक्षाओं से लेकर बिजली के प्रवाह तक ब्रह्मांड की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। कैलकुलेशन के बिना हमारे पास गगनचुंबी इमारतें, स्मार्टफोन या अंतरिक्ष यात्रा नहीं होती। यह इतना महत्वपूर्ण है। न्यूटन का कैलकुलेशन दुनिया के लिए एक उपहार था, एक ऐसा उपहार जिसे उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक गुप्त रखा। यह उनकी प्रतिभा का प्रमाण है कि वह इतना शक्तिशाली उपकरण विकसित करने में सक्षम थे और फिर भी इसे इतने लंबे समय तक छिपाए रखा। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि खोज की यात्रा अक्सर एकांत होती है, लेकिन इसके फल का आनंद सभी उठा सकते हैं। इसलिए हमारी गुप्त प्रतिभा ने गणित की एक ऐसी शाखा विकसित करने में वर्षों बिताए जो दुनिया में क्रांति ला देगी। आइजैक न्यूटन का जन्म उस समय इंग्लैंड में उपयोग में आने वाले जूलियन कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1642 को काउंटी के एक गांव वुलस्टोर पे बाय कोलस्टरवर्थ के वुलस्टोर मनोर में हुआ था, लिंकनशायर। उनके पिता, जिनका नाम आइजैक न्यूटन भी था, की 3 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। समय से पहले जन्मे न्यूटन एक छोटे बच्चे थे। कथित तौर पर उनकी मां हन्ना एस्कॉफ ने कहा था कि वह एक क्वार्ट मग के अंदर फिट हो सकते थे। जब न्यूटन 3 वर्ष के थे तब उनकी मां ने पुनर्विवाह कर लिया और अपने बेटे को उसकी नानी मार्गरी एस्कॉफ की देखभाल में छोड़कर अपने नए पति रेवरेंड बरनबास स्मिथ के साथ रहने चली गई। न्यूटन अपने सौतेले पिता को नापसंद करते थे और उनसे शादी करने के लिए अपनी मां के प्रति कुछ शत्रुता रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंकनशायर के छोटे स्कूलों में हुई, जहां उन्होंने कई विषयों में गहरी रुचि विकसित की। अपने घर की दीवारों पर बनाई गई धूप घड़ी से लेकर पानी की घड़ी तक न्यूटन का बचपन प्राकृतिक दुनिया और यांत्रिकी के प्रति उनके आकर्षण का प्रमाण था। लेकिन यह 1661 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्यूटन का नामांकन था जिसने वास्तव में उनकी भविष्य की उपलब्धियों के लिए मंच तैयार किया। यहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र, गणित और भौतिकी की दुनिया में प्रवेश किया। उन्होंने एक सहायक कर्मचारी के रूप में शुरुआत की, एक ऐसा पद जहाँ शारीरिक काम के बदले में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान के प्रति उनकी प्यास अतृप्त थी। आधुनिक दार्शनिकों से लेकर प्राचीन विद्वानों के कार्यों का अध्ययन करने तक न्यूटन ने समझने की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि यह एक सहज यात्रा नहीं थी।
1665 में ग्रेट प्लेग के कारण विश्वविद्यालय अस्थायी रूप से बंद हो गया, जिससे न्यूटन को वूल्सथोर्पे लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस झटके से भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने भविष्य के सिद्धांतों के लिए आधार तैयार करते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखी। एकांत की यह अवधि बाद में उनके एनल्स मिराबिलिस या आश्चर्य का वर्ष के रूप में जानी जाने लगी। 1667 में न्यूटन एक साथी के रूप में कैम्ब्रिज लौट आए। उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचाना गया और जल्द ही उन्हें गणित का लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इस पद पर वे 33 वर्षों तक रहे। न्यूटन की बौद्धिक जिज्ञासा, जो उनके प्रारंभिक वर्षों से स्पष्ट है, उनकी भविष्य की वैज्ञानिक गतिविधियों में उनकी अच्छी मदद करेगी। वर्ष 1665 न्यूटन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे प्लेग और एक सेब ने चिन्हित किया था। 17वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया महान प्लेग से जूझ रही थी, एक विनाशकारी घटना जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली। इस समय के दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जहां न्यूटन पढ़ रहे थे, ने अपने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए अपने दरवाजे बंद करने का फैसला किया। इस घटना ने न्यूटन को वूल्सथोर्पे में अपने परिवार के खेत में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। एक शांत एकांत जगह जो उनके कुछ सबसे क्रांतिकारी विचारों का जन्मस्थान बन गई। यूनिवर्सिटी की हलचल भरी जिंदगी से दूर वूल्सथोर्पे की शांति में न्यूटन को अपने विचारों का पता लगाने के लिए समय और स्थान मिला। और यही एक सेब के पेड़ की छाया के नीचे विज्ञान के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक घटी थी। कहानी के अनुसार एक सेब पेड़ से गिर गया, जिससे न्यूटन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने सवाल उठाया कि सेब सीधा नीचे क्यों गिरा, किनारे या ऊपर की ओर क्यों नहीं। इस सरल अवलोकन ने विचार की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिससे गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों का निर्माण हुआ। गति के नियम, जो किसी पिंड और उस पर कार्य करने वाली शक्तियों और उन शक्तियों के जवाब में इसकी गति के बीच संबंध का वर्णन करते हैं, शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव बन गए। इस बीच सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो बताता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण हर दूसरे कण को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे आनुपातिक होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि एक गुरुत्वाकर्षण बल का एकीकृत वर्णन। एक घातक प्लेग के बीच में न्यूटन ने अभूतपूर्व खोजें की, जिन्होंने भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। गिरते सेब से क्रांतिकारी सिद्धांत तक न्यूटन की कहानी जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए मानव मन की क्षमता का एक प्रमाण है। न्यूटन का बाद का जीवन उनके पहले वर्षों की तरह ही उल्लेखनीय था, जो वैज्ञानिक खोजों, विवादों और सम्मानों से भरा था। शायद उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका या संक्षेप में प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन था। प्रकाशित 1687 में इस अभूतपूर्व कार्य ने शास्त्रीय भौतिकी की नींव रखी और दुनिया को गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों से परिचित कराया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रिंसिपिया ने भौतिक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन न्यूटन की यात्रा विवादों से रहित नहीं थी। उन्होंने खुद को अपने समय के अन्य वैज्ञानिकों के साथ कई विवादों में उलझा हुआ पाया। शायद इनमें से सबसे प्रसिद्ध कैलकुलेशन के आविष्कार पर गॉटफ्रीड विलहेम लाइबनिस के साथ था। दोनों व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से गणितीय पद्धति विकसित करने का दावा किया, जिससे एक कड़वा विवाद पैदा हुआ जो कई वर्षों तक चला। कटुता के बावजूद इस विवाद ने न्यूटन की गणित में अद्वितीय महारत को और प्रदर्शित किया। 1699 में न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इस पद पर वह दो दशकों से अधिक समय तक रहे।
राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, अनुसंधान का मार्गदर्शन किया और इंग्लैंड में विज्ञान के भविष्य को आकार दिया। उनका कार्यकाल हालांकि असहमतियों और विवादों से रहित नहीं था, ज्ञान की उन्नति के प्रति समर्पण द्वारा चिन्हित किया गया था। फिर 1705 में न्यूटन को इंग्लैंड में सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्राप्त हुआ, उन्हें रानी एनी द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। इसने उन्हें सर आइजैक न्यूटन बना दिया, जो विज्ञान में उनके अविश्वसनीय योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा का प्रतीक है। विवादों के बावजूद विज्ञान में न्यूटन के योगदान ने उन्हें सर्वकालिक महान वैज्ञानिकों में स्थान दिलाया। भौतिकी और गणित में उनके काम ने न केवल दुनिया की हमारी समझ में क्रांति ला दी, बल्कि वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। गति के नियमों से लेकर कैलकुलेशन के विकास तक न्यूटन की विरासत अद्वितीय वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। आइजैक न्यूटन की विरासत उनके जीवन से आगे तक फैली हुई है, जो वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की पीढ़ियों को प्रभावित करती है। न्यूटन के कार्य का प्रभाव अद्भुत है। गणित में एक मौलिक उपकरण कैलकुलेशन का उनका विकास उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। गणित की यह शाखा, जिसका उपयोग भौतिकी से लेकर इंजीनियरिंग तक हर चीज में किया जाता है, हमें परिवर्तन की दरों की गणना करने और जटिल प्रणालियों की प्रकृति को समझने की अनुमति देती है। कैलकुलेशन के बिना हमारे पास अर्थशास्त्र और खगोल विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में आज हमारे सामने आने वाली कई समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं होते। न्यूटन के गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों ने भी दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। ये कानून उन बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन करते हैं जो वस्तुओं की गति और उन पर कार्य करने वाली शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। वे शास्त्रीय भौतिकी की आधारशिला है, जो हमें खगोलीय पिंडों की गति से लेकर फेंके गए बेसबॉल के प्रक्षेप पथ तक हर चीज के रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं। और आइए प्रकाशिकी में न्यूटन के अभूतपूर्व कार्य को न भूलें। प्रकाश और प्रिज्म के साथ उनके प्रयोगों से यह खोज हुई कि सफेद प्रकाश रंगों के एक स्पेक्ट्रम से बना है, एक रहस्योद्घाटन जिसने आधुनिक भौतिक प्रकाशिकी के विकास के लिए मंच तैयार किया। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा वैज्ञानिक जांच के प्रति न्यूटन के दृष्टिकोण का बाद की पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अनुभवजन्य साक्ष्य पर उनका आग्रह और आगमनात्मक तर्क की उनकी पद्धति, जिसे न्यूटोनियन पद्धति के रूप में जाना जाता है, ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक नया मानक स्थापित किया। उन्होंने हमें दिखाया कि सावधानी पूर्वक अवलोकन, प्रयोग और गणितीय तर्क के माध्यम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते हैं। आज न्यूटन की विरासत कायम है। उनके सिद्धांत भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को सूचित करते रहते हैं और उनके तरीके वैज्ञानिक अनुसंधान करने के तरीके का मार्गदर्शन करते हैं। उनके कार्य को अनगिनत वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने आधार बनाकर हमारी आधुनिक वैज्ञानिक समझ का आधार बनाया है। आइजैक न्यूटन एक गुप्त प्रतिभा, ज्ञान के निरंतर खोजी और विज्ञान में अग्रणी, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की अपनी प्यास से हमें प्रेरित करते रहते हैं। आइजैक न्यूटन के बारे में हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।